जय हिंद दोस्तों, मीरा भाईंदर की विधायक गीता जैन जी गुवाहाटी पहुंच चुकी है। उनकी एकनाथ शिंदे जी के साथ तस्वीर भी सामने आई है, स्क्रीन पर तस्वीर भी चल रही है, तो आप देख सकते हो। मैंने सुबह ही आप लोगों को ये खबर बताया था कि गीता जैन जी गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई है। कहीं ना कहीं अभी वो वहाँ पहुँच चुकी है और अभी गीता जैन जी की एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी हो गई है। बातचीत क्या हुई है वो तो अभी तक कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन गीता जैन जी वहाँ पहुँच चुकी है और उनका फोटो सामने आया था, तो मैं सोचा आप लोगों को इस बारे में अवगत करा दूं। एक और इंडिपेंडेंट एमएलए किशोर जोगेवर भी वहां पहुंचे हैं, उनकी भी तस्वीर दिख रही है। एक और जानकारी मैं आप लोगों को ये देना चाहूंगा कि शिवसेना ने 12 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने की मांग की है विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर से, और कहीं ना कहीं इसके जवाब में एकनाथ शिंदे ने ये लिखा है ट्वीट करके कि आप धमकी किसे दे रहे हो, डराने की कोशिश किसे कर रहे हो। एक चीज़ ज़रूर मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ सालों पहले जेडीयू के एक एमपी जिनका नाम है शरद यादव, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था राज्यसभा से। कहीं ना कहीं उन्होंने जेडीयू के डायरेक्शन का उल्लंघन किया था, उस वक्त तो वो सस्पेंड हुए थे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या शिवसेना ने जो मांग रखी है डिप्यूटी स्पीकर से 12 एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करने की, जिसमें एकनाथ शिंदे जी का नाम है, अब्दुल सत्तार जी का नाम है, यामिनी जाधव जी का नाम है, तो ऐसे 12 एमएलएस का नाम दिया गया है शिवसेना की तरफ से डिस्क्वालीफाई करने के लिए। देखते हैं डिस्क्वालीफाई होते हैं कि नहीं। अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं उस पर न्यूज़ बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूँगा, भगवान ईश्वर गौडल्ला आप सबको सलामत रखे, आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।